हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूँ भावेश सुजित्रा और मैं धर्मनंदन टेक्नो प्रोजेक्ट कंपनी में डायरेक्टर हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं आपको लेके आया हूँ हमारे कस्टमर के फुल्ली ऑटोमेटिक मिनरल वाटर प्लांट में। ये प्लांट आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, इतना बढ़िया प्लांट बनाया है। तो आज हम देखेंगे कि मिनरल वाटर प्लांट जो ऑटोमेटिक होता है वो कैसे काम करता है, पानी कैसे बनता है, बॉटल कैसे बनता है, लेबल कैसे लगता है, बॉटल कैसे पैक होता है, कार्टून कैसे बनता है, डिस्पैच कैसे होता है, ये सारा डिटेल मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो ये ऑटोमेटिक प्लांट है, बहुत ही केयरफुली प्लानिंग से डिज़ाइन करके बनाना पड़ता है। तो ये जो पूरा प्लांट है करीबन 15,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, तो इसका कंप्लीट डिज़ाइनिंग हमारे इंजीनियर्स ने किया है और हमारे ऑब्जर्वेशन में इसका एग्जीक्यूशन हुआ है। तो ये भी मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा, आइए। तो ये पूरा एंट्रेंस है, यहाँ पर सिक्योरिटी कैबिन है, आइए। तो ये देखिए, ये जो पूरा जगह है, ये पूरा प्लांट का जगह है। ये जो शेड दिख रहा है, ये शेड का जो एरिया है 10,000 स्क्वायर फीट शेड है। ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन एरिया है, इसमें टोटली मशीनरी इसमें है। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे खुला पार्किंग का स्पेस है। तो यहाँ पे जो डिस्पैच के लिए जो गाड़ी आएगी वो यहाँ पे इजीली आ सकती है और गाड़ी डायरेक्ट प्लांट में जा सकती है और जो रेडी बॉटल्स हैं वो डायरेक्ट गाड़ी में ऐड होके यहाँ से आसानी से डिस्पैच हो सकता है। तो खुला स्पेस अगर है तो आपका पार्किंग और डिस्पैच बहुत आसानी से हो जाता है। ये जो एरिया है ये सीनियर मैनेजमेंट के लिए है। तो ये पूरा ऑफिस एरिया है, ये देखिए इन्होंने एक ऑफिस एरिया बनाया है और साथ में यहाँ सीनियर मैनेजमेंट के लिए एकोमोडेशन का भी फैसिलिटी है, दो रूम बनाया है इन्होंने। तो यहाँ पर ये जो मेन मैनेजर लोग है वो यहाँ पे रहते हैं और यहाँ डेली काम करते हैं और यहाँ से वो प्रोडक्शन को पूरा मैनेज करते हैं। और किचन भी है इन लोगों ने बनाया है और ये ओपन डाइनिंग एरिया है, तो यहाँ पे ये लोग लंच और डिनर करते हैं और ब्रेक में वर्कर लोग भी इधर आके चाय पानी वगैरह कर सकते हैं। तो आपको प्लांट में अगर आपके पास जगह है तो आप अपने स्टाफ्स के लिए अगर एकोमोडेशन और रहने खाने पीने का इंतज़ाम करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वर्कर्स आपके यहाँ टिकेंगे और आपका प्रोडक्शन ज़्यादा निकाल के देंगे। तो अभी हम प्लांट के एंट्रेंस में है, यहाँ से जो प्लांट दिख रहा है वहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप राइट साइड पर देख सकते हैं कि इन्होंने डीजी सेट जनरेटर लगाया है। अगर फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगा रहे हैं तो एक जनरेटर होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी अगर पावर जाता है, लाइट जाती है, तो काफ़ी चीज़ें इन प्रोसेस होती है, जैसे ब्लोइंग में प्रीफॉर्म है, बॉटल अंडर फिलिंग है, पैकिंग है, तो सारा रुक जाएगा और कुछ प्रीफॉर्म वेस्टेज होने का चांसेस है। ऐसा ना हो इसलिए अगर आप जनरेटर लगाते हैं तो आपका वेस्टेज कम हो जाएगा और आपका प्रोडक्शन भी रुकेगा नहीं। आइए अभी अंदर जाते हैं। तो पैकेट ड्रिंकिंग वाटर में नॉर्मली तीन तरीके के रो वाटर सोर्स होते हैं, एक बोरवेल, एक टैंकर वाटर या रिवर वाटर। तो ये प्लांट में बोरवेल का सोर्स का इस्तेमाल हुआ है। तो बोरवेल वहाँ पर दूर है तो वहाँ से जो पानी है वो ये दो रो वाटर स्टोरेज टैंक में आता है। तो ये दो रो वाटर स्टोरेज टैंक है जिसमें पानी स्टोर होता है बोरवेल का, और यहाँ से पानी आगे आरओ में जाता है। ये टैंक का मटेरियल नॉर्मली पीवीसी होता है, फूड ग्रेड का होता है। तो आप फूड ग्रेड का लगाओ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम पीने का पानी इसमें कांटेक्ट में आ रहा है तो फूड ग्रेड का होना ये टैंक बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम देखेंगे आरओ प्लांट। ये देखिए, ये आरओ प्लांट रूम है। तो आरओ प्लांट का एक सेपरेट रूम बनेगा जिसमें सिर्फ आरओ प्लांट ही रहेगा, आइए। तो ये जो आरओ प्लांट है उसका कैपेसिटी है 12,000 लीटर पर हावर, मतलब एक घंटे में ये 12,000 लीटर पानी प्योर करके देगा। तो इसका डिटेल में समझते हैं। तो पहले जो हमने बाहर रो वाटर स्टोरेज टैंक देखा उसमें से जो पानी है वो पंप खींचेगा पानी, इसको बोलते हैं रो वाटर पंप। ये रो वाटर पंप है, ये पानी को पहले इसमें एंटर करेगा, इसको बोलते हैं सैंड फिल्टर, इसको मल्टीमीडिया फिल्टर भी बोलते हैं। इसमें 5 लेयर के फिल्टर मीडिया रहते हैं, वो 5 लेयर से पानी फिल्टर होके जाता है। तो इसमें से 50 माइक्रोन तक का जो भी इम्प्योरिटी है वो कम्प्लीटली सस्पेंडेड इम्प्योरिटी निकल जाता है। इसके बाद पानी आगे जाएगा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में, इसमें एक्टिवेटेड कार्बन लगाया हुआ होता है। एक्टिवेटेड कार्बन का प्रॉपर्टी ये है कि पानी में ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जैसे कलर है, ऑर्डर है, ख़राब स्मेल है, ख़राब टेस्ट है, वो सारा इसमें निकल जाता है। तो पानी एकदम प्योर होके टेस्ट मीठा होके आगे जाता है। इसमें मल्टीपोर्ट वाल लगे हुए हैं, दोनों जगह पे मल्टीपोर्ट वाल है। ये मल्टीपोर्ट वाल का फंक्शन ये है कि पानी को
जब भी फ्लशिंग करना होता है, ये सिस्टम को फ्लशिंग करना होता है, तो इसका पोजीशन घुमा के पानी का फ्लो प्लस माइनस रिवर्स और फॉरवर्ड करके इसका फ्लशिंग होता है। इसके बाद पानी आगे जाएगा और ये है माइक्रोन कार्ट्रिज फिल्टर। तो धर्मनंदन कंपनी ने दोनों जंबो साइज के माइक्रोन कार्ट्रिज फिल्टर दिए हैं, तो इसमें 5 माइक्रोन तक का जो भी इम्प्योरिटी पानी में है वो इसमें फिल्टर हो जाते हैं। नॉर्मली लोग छोटे छोटे माइक्रोन देते हैं, हमने बढ़ा दिया है ताकि अच्छे से फिल्ट्रेशन हो जाए। इसके बाद पानी आगे जाएगा। ये पूरा आरओ का सिस्टम है, ये जो पूरा है ये रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम जो आरओ मेम्ब्रेन है वो इसमें लगा है। तो यहाँ से जो पानी है वो ये हाई प्रेशर पम्प 15 किलो का प्रेशर बना के एकदम प्रेशर से पानी ये मेम्ब्रेन में डालता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हाउसिंग है, इसके अंदर मेम्ब्रेन है। तो ये 12,000 लीटर का आरओ है, इसमें 12 मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो ये 12,000 लीटर पानी निकालेगा। इसमें से जाने से पहले एंटीस्केलेंट डोजिंग सिस्टम हुए, ये पानी में डोजिंग ऐड करता है, डोजिंग केमिकल ऐड करता है, जिससे क्या होता है कि मेम्ब्रेन में जो लेयर जमता है वो लेयर नहीं जमता है और मेम्ब्रेन का लाइफ बढ़ता है। और ये जो पूरा आरओ है तो फुल्ली ऑटोमेटिक है, उसका कंट्रोल पैनल इधर दिया हुआ है। यहाँ पे आप ऑटो मोड और मैनुअल मोड दोनों में चला सकते हैं। अगर ऑटो मोड में रखा है तो टैंक में अगर पानी फुल हो गया तो बंद हो जाएगा, टैंक में पानी खाली हो गया तो स्टार्ट हो जाएगा। सेम ऐसा अगर रोड टैंक का पानी खाली है तो प्लांट बंद हो जाएगा। तो ऑटो मोड में ये सिस्टम है। और पूरा जो कंट्रोल पैनल है ये धर्मनंदन कंपनी ने खुद बनाया है कंट्रोल पैनल, और बहुत ही सिंपल इजी तरीके से बनाया है ताकि कोई भी अगर फॉल्ट आता है या कोई भी माइनर छोटा मोटा रिपेयरिंग है वो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन भी आसानी से रिपेयर कर सकता है, जिससे आपका प्लांट रुकेगा नहीं। तो मेम्ब्रेन से पानी फिल्टर हो जाता है, मेम्ब्रेन में 0.0001 तक का पूरा इम्प्योरिटी निकल जाता है, तो एक तरीके का फाइनल फिल्ट्रेशन हो जाता है। धर्मनंदन कंपनी जो मेम्ब्रेन है वो अमेरिकन और जर्मन टेक्नोलॉजी की देती है, जिससे हाईएस्ट लेवल का प्योरिफिकेशन होता है और बेस्ट बेस्ट टेस्ट आता है। इसके बाद पानी है वो स्टोरेज टैंक में जाता है, और उसके साथ ये एडेड मिनरल टेक्नोलॉजी दिया है, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये दो मिनरल्स हैं वो पानी में ऐड होते हैं, जिससे क्या है कि ये जो प्रोसेस में जो मिनरल्स रिमूव हुए हैं वो वापस ऐड हो जाते हैं, जिससे पानी का टेस्ट और जो अरोमा है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो ये एडेड मिनरल के बाद पानी जाता है स्टोरेज टैंक में। तो ये दो स्टोरेज टैंक लगाया है, 5000 लीटर कैपेसिटी का स्टेनलेस स्टील का टैंक है, इसमें फाइनल वाटर स्टोर होता है। ये पंप के थ्रू बाद में ये वॉशिंग और फिलिंग में जाता है। तो एक टैंक में से पानी आने के बाद उसको वापस एक पोस्ट माइक्रोन ट्रीटमेंट दिया है, तो जिससे अगर पानी में अगर कुछ भी रह गया है तो फाइनल फिल्ट्रेशन इससे हो जाता है, तो पोस्ट माइक्रोन ट्रीटमेंट वो करता है। उसके बाद पानी जो है वो यूवी लाइट, ये जो है ये हाउसिंग है, अंदर 4 UV लाइट दी हुई है, ये अल्ट्रावायलेट लाइट है। अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करती है कि पानी में अल्ट्रावायलेट रेज पास करती है, जिससे पानी में अगर कोई भी बैक्टीरिया है तो किल हो जाता है और पानी एकदम जंतु रहित हो जाता है। यहाँ से पानी आगे जाता है ये पाइप के थ्रू ये फाइनल स्टोरेज टैंक में। तो ये फाइनल स्टोरेज टैंक है, इसमें अभी एक फाइनल ट्रीटमेंट होगा ओजोनेशन। ये है ओजोनेशन मशीन, ये हाई कैपेसिटी का ओजोनेशन मशीन है। इसके साथ हमने ये ऑक्सीजन बूस्टर टेक्नोलॉजी दिया है, जो ऑक्सीजन डेवलप करके प्योर ऑक्सीजन ओजोन में देता है। नॉर्मली ओजोन ऑक्सीजन एयर में से लेता है, लेकिन उसमें 21% ही ऑक्सीजन होता है। अगर उसको बूस्टिंग करना है तो ऑक्सीजन मेकर टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा, जिससे प्योर ऑक्सीजन जाएगा और ओजोन का बूस्टिंग 5 से 10 टाइम्स बढ़ जाता है। तो ये ओजोन है बाद में स्टोरेज टैंक में जाएगा। ओजोन क्या करता है, डिसइंफेक्शन का काम करता है। फाइनल कोई भी बैक्टीरिया या फंगल या ईस्ट एंड मोल्ड रह गया है तो ओजोन है उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा, पानी को एकदम प्योर कर देगा, और ओजोनेशन से पानी का शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है और पानी का टेस्ट बढ़ जाता है। इसके साथ हमने एक और सिस्टम दिया है। ओजोन क्या है, गैस फॉर्म में रहता है, तो वो पानी इतना बड़ा स्टोरेज टैंक है उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने ओजोन सर्कुलेशन सिस्टम दिया है।
ये पानी को नीचे से लेकर ऊपर डालता है, वैसे सर्कुलेट करता है। तो सर्कुलेट होने से अंदर जो भी ओजोन गैस आया है तो पूरे पानी में आसानी से बूंद बूंद में एक तरीके का ओजोनेशन हो जाता है। तो जो ये पानी फाइनल बॉटल में जाएगा तो बॉटल टू बॉटल पानी का जो टेस्ट का वेरिएशन लोकल ब्रांड्स में आता है वो ये इसमें नहीं आता है। पानी का टेस्ट और क्वालिटी हर एक बॉटल हर एक बैच में एक सरीखा आएगा। तो ये टेक्नोलॉजी और ये सिस्टम हम धर्मनंदन कंपनी देते हैं। यहाँ से जो पानी है अभी अगर तीन जगह पे जा सकता है, अगर 20 लीटर जार भरना है तो 20 लीटर जार में एक लाइन जाएगा, पाउच पैक करना है तो पाउच में जाएगा और बॉटल पैक करना है तो बॉटल में जाएगा। तो यहाँ से पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अभी हमने आरओ प्लांट देख लिया, अभी पूरा बॉटलिंग लाइन देखेंगे। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ब्लोइंग मशीन। ये जो पीछे आपको ब्लोइंग मशीन दिख रहा है ये फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लो मोल्डिंग मशीन है, 4 cavity ब्लो मशीनिंग मशीन है और इसका प्रोडक्शन है 7200 बॉटल पर आवर। तो ये बहुत ही हाई प्रोडक्शन मशीन है और हमने ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया है कि बहुत ही कम स्पेस में ये मशीन आपका आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। तो अभी देखते हैं पूरा मशीन का वर्किंग कैसे होता है। ये पूरा उसका कंट्रोल पैनल है, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से और इजीली सबको समझ में आ जावे ऐसे कंट्रोल पैनल बनाया है। और ये कंट्रोल पैनल में इधर एसी भी लगा है, तो एयर कंडीशन कंट्रोल पैनल है ताकि ये कभी भी फेल नहीं होगा। एयर कंडीशन कंट्रोल पैनल का यही फायदा है कि कभी भी फेल नहीं होता ये। तो ये है प्रीफॉर्म होपर, इसमें प्रीफॉर्म का बैग हमें खाली कर देना है। एक साथ प्रीफॉर्म खाली कर सकते हैं, ये प्रीफॉर्म है यहाँ पे ऐसे खाली कर दिया तो ये पूरा बैग खाली हो जाएगा और ये यहाँ से ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। ये कन्वेयर है, ये कन्वेयर से ऊपर जाएगा और यहाँ से बाद में नीचे आएगा ऐसे। तो ये देखिए ये जो प्रीफॉर्म है पूरा एक साथ लाइन में आ रहा है, लाइन में प्रीफॉर्म आ रहा है। अभी यहाँ से प्रीफॉर्म लोडर है इसको कन्वेयर पे डालेगा, यहाँ से प्रीफॉर्म अंदर हीटिंग में जाएगा, यहाँ से बाद में दो हीटिंग जोन है, दो हीटर पैरेलल दिए हैं तो दो लाइन में प्रीफॉर्म हीट होके जाएगा। हीटिंग होने से प्रीफॉर्म सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है और ब्लोइंग होने में उसका इजी हो जाता है। ये ब्लोइंग मशीन पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मशीन है, इसमें वेज लॉक सिस्टम दिया है। यह देखिए ये वेज लॉक सिस्टम है, ऊपर नीचे हो रहा है और प्रीफॉर्म में ये डाई में जा रहा है, ये डाई में जाके नीचे से एयर आता है और एयर से बोतल पूरा ब्लो हो जाता है और आगे निकल जाता है। नीचे देखिए ये पूरा स्ट्रेचिंग सिस्टम है और एयर रिकवरी सिस्टम है, जो ब्लोइंग में जो एक्स्ट्रा एयर बचती है उसको रिकवर कर लेता है और वापस यूज करता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग होता है। और इसमें 6 सर्वो मोटर लगी हुई, ये जो पूरा ये सर्वो मोटर है, नीचे स्ट्रेचिंग भी सर्वो मोटर है, तो पूरा सर्वो से चलता है। ये मशीन एकदम स्मूथली चलता है, मशीन में बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं आता है, कम्प्लीटली वाइब्रेशन फ्री हाई टेक्नोलॉजी मशीन है। तो ये हीटिंग होने के बाद प्रीफॉर्म डाई में आ गया और डाई में उसका ब्लोइंग हो गया, ब्लोइंग होने के बाद उसका बॉटल बन जाता है। तो डाई में से जो बॉटल बन के आया वो इधर आएगा ऐसे, ये देखिए ये बॉटल अनलोडर है वो डायरेक्टली ये कन्वेयर पे लोड करेगा और यहाँ से एयर ब्लोअर, ये एयर ब्लोअर है वो डायरेक्टली फिलिंग मशीन में चला जाएगा। तो इसमें मैन पावर की कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी बॉटल ले जाने के लिए। दूसरा हमने ये वाई कन्वेयर दिया है, एक बॉटल उधर से जाएगा, अगर हमें कोई मैन्युअली बॉटल डालने की ज़रूरत पड़ी तो ये वाई कन्वेयर के थ्रू भी बॉटल जाता है। तो हमने ये एक्स्ट्रा सिस्टम दे के रखा है जिससे इसका काम रुकेगा नहीं, तो बॉटल यहाँ से जाएगा फिलिंग मशीन में। तो ये मशीन है ऑटोमेटिक बॉटल रिंसिंग फिलिंग एंड कैपिंग मशीन। ये मशीन का जो कैपेसिटी है वो 150 BPM मतलब 150 बॉटल पर मिनट का प्रोडक्शन का कैपेसिटी है। वो जो ब्लोइंग मशीन है उधर से बॉटल डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट बॉटल आया
टोटल यहाँ से जो आया वो पहले ये घूम के रिंसिंग में जाएगा, रिंसिंग में बोतल उल्टा होगा और अंदर से पानी आएगा, पानी से अंदर पूरा कंप्लीट वॉश हो जाएगा। बोतल में अगर कोई भी कचरा है तो निकल जाएगा। वॉशिंग होने के बाद बोतल इधर लैंड होगा और इसके बाद वो फिलिंग में जाएगा। फिलिंग का टैंक है जो आरओ टैंक है, उसमें से पानी इसमें आएगा और यहाँ से हर एक हेड में पानी आएगा और वहाँ से बोतल फिल होके जाएगा। ये बड़े साइज का टैंक दिया है जिससे प्रोडक्शन 150 BPM तक आराम से प्रोडक्शन निकल जाता है। तो फिलिंग होने के बाद बोतल आएगा कैपिंग में, कैपिंग में कैप होपर है उस साइड पे, कैप होपर से बोतल का कैप इधर आएगा और एक एक बोतल पे लग के जाएगा, एक एक बोतल के कैप लग जाएगा। इसके बाद ये कैपिंग हेड है, तो हर एक बोतल को ऐसे कैप को टाइट कर देगा, वो तो टाइट होके बोतल इधर आ जाएगा। कंप्लीट बोतल पैक होके आ गया है इधर और यहाँ से वो लैंड करेगा। ये एडजस्टेबल कन्वेयर दिया है जिससे बॉटल के हाइट के हिसाब से इसको लैंड करवा सकते हैं। बॉटल बड़ा है तो कन्वेयर ऊपर रहेगा, छोटा है तो नीचे रहेगा, तो हाइट के हिसाब से इसका होगा, सीधा इधर जाएगा। ये कैप होपर है, यहाँ पे हमें कैप डाल देना है और कैप का कन्वेयर एलिवेटर वो एक एक कैप को ऊपर डालेगा। यहाँ पे एयर का सिस्टम दिया है जो एक तरीके से कैप अंदर जाएगा और यहाँ से बॉटल बाद में आगे इंस्पेक्शन और बैच कोडिंग में जाएगा। तो बॉटल उधर पैक होके आया, ये इंस्पेक्शन स्क्रीन है। तो यहाँ पे जो बॉटल आएगा, ये जो बॉटल आ रहा है उसमें अगर कोई पार्टिकल है तो यहाँ पे इंस्पेक्शन करके उसको बाहर से निकाल सकते हैं। इसके बाद ये बैच कोडिंग है, ये लेसर बैच कोडिंग मशीन है। जो नॉर्मली जो बैच कोडिंग होता है इंक वाला होता है या लेसर वाला है, इसका फ़ायदा ये है कि ये इसमें इंक नहीं लगता है, इसलिए एक बार मशीन लग गया इसके बाद इसका कोई कॉस्ट नहीं आता है, जबकि इंक वाले में इंक का कॉस्ट डालना पड़ता है। तो डायरेक्टली बैच ऊपर लगा देगा, बैच नंबर, MRP, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो सारा बॉटल पे ये यहाँ से लेज़र के थ्रू लग जाएगा। इसके बाद ये 150 BPM का लाइन है, तो यहाँ पे हमने ज़िगज़ैग कन्वेयर लिया है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स लाइन का ज़िगज़ैग कन्वेयर दिया है। उससे क्या होगा कि बॉटल को स्टॉक होने का पूरा जगह मिल जाता है, तो पूरा बॉटल यहाँ पे स्टॉक होता रहता है और आगे कंटिन्यू होते रहता है। तो ये ज़िगज़ैग कन्वेयर है, 28 मीटर लंबा है, तो 28 मीटर लंबा ज़िगज़ैग कन्वेयर होने से बॉटल का स्टॉक यहाँ मिल जाता है, जिससे मशीन आसानी से चलता है। यहाँ से बॉटल जाएगा बाद में लेबलिंग मशीन, इसको बोलते हैं BOPP लेबलिंग मशीन। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। अभी यहाँ पे जो बॉटल आएगा, यहाँ पे ये BOPP लेबल्स का रोल है, ये देखिए रोल है, रोल में से लेबल जाएगा, ऐसे ऐसे जा रहा है देखिए। और ये जो चेंज पार्ट है, यहाँ पे ग्लू लग के यहाँ पे जाएगा और ग्लू लग के वो यहाँ पे बॉटल पे लग जाएगा। तो एक एक लेबल बॉटल पे आसानी से चिपक जाता है, एकदम स्मूथली चिपक जाता है और बहुत ही बढ़िया सा फिनिशिंग आ जाता है। वो देखिए आगे जा रहा है, ये उसका पूरा कंट्रोल पैनल है, यहाँ से पूरा मशीन कंट्रोल कर सकते हैं। ये BOPP मशीन का कंप्लीट कंट्रोल पैनल है, ये देखिए पूरा कंट्रोल पैनल हमने खुद डिज़ाइन किया है, इससे मशीन को चलाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ से पूरा लेबल लग के आया बॉटल, तो वापस अभी एक ज़िगज़ैग कन्वेयर के थ्रू अंदर जाएगा बॉटल। ये देखिए पूरा ज़िगज़ैग कन्वेयर है, ये भी 28 मीटर का ज़िगज़ैग कन्वेयर है, जिससे बॉटल को लेबलिंग के बाद पूरा जगह मिल जाता है। फिलिंग के बाद ज़िगज़ैग था, उसके बाद BOPP और उसके बाद वापस एक ज़िगज़ैग। तो यहाँ पे 28 मीटर 30 मीटर का पूरा ज़िगज़ैग कन्वेयर है। यहाँ से बाद में बॉटल है वो पैकिंग में जाएगा, श्रिंक रैपिंग मशीन में। ये सर्वो मोटर है, सर्वो से ये गाइड करेगा बॉटल को। तीन लाइन मशीन है इधर, तीन लाइन मशीन में ये गाइड करेगा और बॉटल आगे जाएगा। तो ये बॉटल आ गया, बाद में ये सेंसर है, एक टाइप का सेंसर है, अगर ये सेंसर अप है तो ही बॉटल आगे जाएगा और तो ही मशीन आगे का चलेगा, अगर ये डाउन है तो आगे ये मशीन रुक जाएगा, उसको बॉटल चाहिए। तो ये बढ़िया सा सिस्टम दे रखा है ताकि मशीन स्मूथली चले। तो ये बॉटल आगे आ गया, ये सेंसर के थ्रू आगे आ गया,
अभी ये पूरा कंप्लीट ऑटोमेटिक श्रिंक रैपिंग मशीन है, वो दो पार्ट में है, पहला है वेब सीलर और बाद में है श्रिंक टनल। तो आइए अभी वेब सीलर देखते हैं। तो ये बॉटल आया, तो इसमें LDPE लो डेंसिटी पॉलीथिलीन रोल रहता है, एक रोल ऊपर एक रोल नीचे रहता है। तो बॉटल आया और ये पूरा प्रोग्रामिंग इसमें हो जाता है, ये पूरा कंट्रोल पैनल है, इसमें आप प्रोग्रामिंग कर दीजिए, पूरा मशीन ऑटोमेटिक चलता है। तो प्रोग्राम के हिसाब से बॉटल आता है और ग्रुप होके जाता है, 12 बॉटल का ग्रुप, 36 बॉटल का ग्रुप और 48 बॉटल का ग्रुप, ऐसे बॉटल की साइज़ के हिसाब से ग्रुप बना के इसको ये पुशर है उसको पुश करता है। पुश करने के बाद जो एक रोल ऊपर से आया एक नीचे से आया ऐसा रैप हो जाता है, रैप बन जाता है, और हीटर और सीलर रहता है तो उसको कट करके सील कर देता है, वापस दूसरा आ जाता है। देखिए एक कट होके गया, दूसरा आया, दूसरा कट होके गया, पुश करेगा कट होके आगे आया, तो वैसे ये वेब बनता जाता है, इसलिए इसको वेब सीलर बोलते हैं। वेब सीलिंग होने के बाद ये हीटिंग टनल में जाता है, तो ये पूरा कटिंग हो गया। बाद में ये कन्वेयर है, कन्वेयर पे आगे जाएगा और ये श्रिंक टनल में जाएगा। इसमें हीटर रहते हैं और इसमें हीटिंग यूनिफॉर्म आए इसके लिए ब्लोअर दे रखे हैं, तो ये ब्लोअर क्या है, एयर को सर्कुलेट करेगा और हर एक जगह पे यूनिफॉर्म हीटिंग लाएगा। इससे क्या है कि जो पैकेज है वो कम्प्लीटली ऐसे एयर टाइट, ऐसे कम्प्लीटली टाइट हो जाएगा। ये देखिए अभी ये श्रिंक होके आ रहा है, कम्प्लीटली हीटिंग होके पूरा टाइट होके आ रहा है, इसे एकदम स्टर्डी मजबूत पैकेट बनेगा, टूटेगा नहीं। इसके बाद ये आफ्टर कूलिंग सिस्टम है, वो हीटिंग होके आया है तो डायरेक्ट उठा नहीं सकते, गर्म होगा, आफ्टर कूलिंग सिस्टम दिया है जिससे क्या है ये ठंडा हो जाएगा। यहाँ से पूरा पैक होके बॉटल का कार्टून आ गया और यहाँ से स्टॉक में भी डाल सकते हैं, और ये देखिए डायरेक्ट ये ट्रक लोड हो रहा है। ये इसमें 800 बॉक्स एक गाड़ी में जा सकते हैं, तो ये जो प्रोडक्शन होके इधर आप स्टॉक कर सकते हैं, ये देखिए इतना सारा स्टॉक है, करीबन 5000 कार्टन्स का स्टॉक है इसके पास, और ये स्टॉक एरिया है पूरा। अभी प्लांट बनाने के टाइम पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी दीवाल है दीवाल पे ऐसे स्मूथ टाइल्स लगाना है, इन्होंने 12 फीट तक टाइल लगाया है, मिनिमम रूल है 6 फीट तक लगाना पड़ता है। अब देखिए पूरे प्लांट में जहाँ पर भी दीवाल है सब जगह पे 6 फीट तक टाइल्स लगाना है। अभी प्लांट के कंस्ट्रक्शन में क्या जाना, आपको फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग देखिए आप टाइल्स भी लगा सकते हैं और कोटा स्टोन भी लगा सकते हैं, मतलब फ्लोरिंग स्मूथ होना चाहिए। दूसरा जितने मशीन है वो देखिए RO प्लांट, जार फिलिंग, जार वॉशिंग, इसका सेपरेट रूम बनेगा, इसके बाद ब्लोइंग ओपन में चलेगा, उसके बाद वो फिलिंग एरिया है, फिलिंग का एक सेपरेट रूम बनाना पड़ेगा। इसके बाद ये पूरा ओपन लाइन आप देख सकते हैं, पूरा ओपन लाइन चलेगा, और इसके बाद आपको दो लेबोरेटरी का रूम बनाना है, एक माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी और केमिकल लेबोरेटरी। तो मोटा मोटी ये प्लांट का पूरा कंस्ट्रक्शन है, एक एंट्री गेट होता है और एक एग्जिट गेट भी, इमरजेंसी आउटपुट के लिए एक एग्जिट गेट भी लगाना पड़ता है। तो बहुत ही वेल प्लांट, बहुत ही अच्छे इंजीनियरिंग से बनाया हुआ प्लांट है। फ्यूचर में अगर इसको एक्सपेंशन करना है तो इसके बाद और भी खाली जगह पड़ी है, तो यहाँ पे एक लाइन लगा के ये एक्सपेंशन कर सकते हैं, और इसके पास और भी जगह है जहाँ पे वो फ्यूचर एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगा रहे और आपके पास जगह ज़्यादा है तो फ्यूचर एक्सपेंशन बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो अभी लेबोरेटरी देखेंगे, तो दो रूम हमें बनाने हैं, एक है पहला है माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी और दूसरा है केमिकल लेबोरेटरी। आइए अभी लैब देखते हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी है, इसमें जो वाटर का जो डेली जो प्रोडक्शन होता है उसके बैच बना के बैक्टीरिया जो रिलेटेड टेस्टिंग है वो होता है। लेबोरेटरी बनाने के लिए आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना है, एक ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म आप 3 से 4 फुट आप ले सकते हैं, एक वॉश बेसिन बनाना है, माइक्रोबायोलॉजी में एक AC चाहिए
और ऐसे प्लग लगाने हैं, प्लग और स्विचेस हर एक जगह पे लगाना है। इससे क्या होगा कि जो भी ये टेस्टिंग इक्विपमेंट है उसको पावर सप्लाई के लिए प्लग लगेगा, तो ये सारे टेस्टिंग इक्विपमेंट यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। ये बीओडी इंक्यूबेटर है, लेमिनार एयर फ्लो है, हॉट एयर ओवन है, ये अभी केमिकल लेबोरेटरी है, आइए देखते हैं। तो केमिकल लेबोरेटरी में जो पानी है उसका केमिकल पैरामीटर जैसे पी ए, टी डी एस, हार्डनेस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, टोटल डीजल सॉलिड्स, ये सारे पैरामीटर इसमें टेस्ट होते हैं। तो इसमें भी ऐसे प्लेटफॉर्म बनाना है ग्रेनाइट का, एक वॉश मशीन लगाना है, एक वाटर डिस्टिलेशन इक्विपमेंट मशीन के साथ ही आएगा, और लेबोरेटरी के केमिकल्स और इक्विपमेंट्स यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म पे लग जाएंगे, और ऐसे स्विच और प्लग लगा देने हैं। तो ऐसे केमिकल लेबोरेटरी होगा, इसमें कंप्लीट टेस्टिंग होगा केमिकल पैरामीटर्स का। तो ये वीएनएस एक्वा का मार्केट बहुत बड़ा है, और डेली ट्रक भर के करीबन डेली 10,000 कार्टून का सेल है इसका, और बहुत ही बढ़िया इसका सेलिंग है, ब्रांड बन रहा है। तो ब्रांड अगर आपको बनाना है तो इस तरीके का बढ़िया सा ऑटोमेटिक प्लांट अगर आप लगाते हैं तो आपका ब्रांड बनता है, कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन निकलता है और आपका प्रॉफिट बढ़ता है।